केस कवर करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, दे एडमिट एस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1 year शेयर। इसको रब करना पड़ेगा मुझे। और एक बात बोलूं, ये जो सारे केस है ना, एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लो, साथ के साथ सॉल्व करके एक साइड रख लो, क्योंकि ना अभी पार्टनरशिप करोगे, इसके बाद क्या होगा, जब दूसरी बुक आ जाएगी और फिर तीसरी बुक आ जाएगी, इसके बाद ये भूल जाओगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। एक बार रिकैप चाहिए होगा, ये 5 cases रिकैप ले लेना भैया, इससे बाहर आना ही नहीं है, 5 के 6 बनेंगे बल्कि। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स 3:1, पी क्यू आर तीन पार्टनर है हमारे, पी क्यू आर 3:2:1, 3 × 5 = 6, 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि दे एडमिटेड एस एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1 year शेयर इन प्रॉफिट व्हिच एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम पी 1/16 फ्रॉम क्यू। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, जब नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का शेयर हमें गिवन है 1/8, इस 1/8 में से ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हिच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम पी, इसका 1/16 पोर्शन पी सरेंडर करेगा, P will surrender, लिख देती हूं P will surrender, क्योंकि सभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इस केस में, ठीक है, और 1/6 पोर्शन Q सरेंडर करेगा, 1/16 Q will surrender, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। P और Q से लिया जा रहा है, R से कुछ नहीं लिया जा रहा है, जब S का एडमिशन हो रहा है, पॉइंट ये है आपके सामने, NPSR क्या करना है, ओल्ड रेशो था 3/6, इन्होंने कहा 1/16 भाई सब करेंगे सरेंडर, ओल्ड रेशो पी के केस में, क्यों कितना सरेंडर करना है वो प्रोपोर्शन गिवन है बेसिकली 2/6, कितना सरेंडर करेंगे 1/16, आर का शेयर था 1/6, नो सरेंडर, एस का शेयर था 1/8, फिर हम डिनोमिनेटर को बेसिकली हम सेम बनाएंगे, तो हमें ये काम इसमें करना है। तो चलो जी करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जी, अब हम अगर इनका एलसीएम भी लेते हैं, अगर हम 6 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं, चलो आपके सामने ही लेते हैं, कुछ बच्चों से ये भी चीज नहीं होती, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 3 के टेबल में आया, फिर किससे करें, 2 से कर दें, फिर 4 से करके काम निपटाते हैं, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48, तो बेसिकली एलसीएम आ गया 48, 6 के टेबल में 48 कब आता है, 6 × 8 = 8, 3 = 24, 16 के टेबल में 48 कब आया, 3 × 1 = 3, ठीक है, तो आपका आ गया 21/48, फिर यहाँ एलसीएम लिया 48, 6 के टेबल में 48, 6 × 8 = 48, 8 × 2 = 16, 16 के टेबल में 48, 3 × 3, तो यहां आ गया 13/48। अब इसका जो शेयर है 1/6 है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 8/8 से हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 48 है, डिनोमिनेटर को हमें 48 बनाने के लिए 8 × 6 = 48, तो 8/48 यहाँ बना, यहाँ पर हमारा 1/8 है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 × 6 = 48, तो आपका जो NPSR निकल के आया सॉरी 21, 13, 8 and 6, ये केस था, नोट करने वाला है, बिना नोट करने का कोई लॉजिक नहीं है, कर लो बच्चे, क्वेश्चन अच्छा था, केसेस सारे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।